हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो एक्चुअल में ये कॉइन बहुत ज़्यादा हाइप में रहा अभी तक। आप देख सकते हो इसको टेलीग्राम के ऊपर कोई भी इसको माइन कर सकता है, यानी कि इसके आपको फ्री में कॉइन्स मिलते हैं जिसमें आपको सिर्फ टैप करना है या रेफर करना है या फिर यहाँ पे कुछ टास्क दिए गए हैं उससे आपको कई सारे कॉइन्स मिलते हैं। एंड आई बिलीव कि लगभग सभी ने यहाँ पे बिलियंस में मिलियंस में कॉइन्स काफ़ी ज़्यादा इकट्ठे कर लिए। लेकिन अगर आपने ये पहले नहीं किया तो अभी आपको अभी भी फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि आपको ये कॉइन मिलने वाला है बाइनेंस लॉन्च पुल के ऊपर। जनरली लॉन्च पुल के ऊपर हमेशा बेस्ट प्रोजेक्ट ही आता है, वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट्स ही यहाँ पे आते हैं। लेकिन टॉन का प्रोजेक्ट होने की वजह से अभी ये बाइनेंस के ऊपर लॉन्च पुल में आने वाला है, और लॉन्च पुल में आने के साथ साथ इसकी लिस्टिंग भी बाइनेंस के ऊपर ही होने वाली है। तो आप खुद देख सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग अगर बाइनेंस के ऊपर होगी तो इसका प्राइस कहां तक जा सकता है। तो वन ऑफ द बेस्ट प्रोजेक्ट आ चुका है, इसका थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे कि आपने स्टेकिंग कैसे करनी है और ये कब से कब तक अवेलेबल होगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ वॉलफोर्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए और टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वॉलफोर्ड ऑफिशियल आप सर्च कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ पे हम सारी अपडेट्स रेगुलर डाल रहे हैं। चाहे ये लॉन्च पूल वाली है अपडेट, ये भी मैंने कल ही आपको दे दी थी। अगर आप यहाँ पे देखोगे फियर एंड ग्रीड इंडेक्स, ये अभी 33 के आसपास चल रहा है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेयर में चल रहा है, यानी कि मार्केट में अभी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लेकिन बिटकॉइन का प्राइस देखिए अराउंड 60,000 के आसपास अभी भी चल रहा है, जो कि ऑलमोस्ट $58,000 के आसपास चल रहे हैं। तो अगर हम प्राइसेस देखते हैं तो प्राइसेस इतने ज़्यादा नीचे नहीं गए हैं, लेकिन फेयर इतना होने का मतलब ये है कि यहाँ पे बाइंग ज़्यादा नहीं आ रही है। लेकिन नए प्रोजेक्ट्स जब भी आते हैं तो हमेशा हाइप या फिर तब मार्केट थोड़ी और ज़्यादा पॉजिटिव होती है। तो हम हैमस्टर कॉम्बैट को लेकर हमेशा बहुत बड़ी एक्सपेक्टेशंस बनाई जा रही थी अभी तक कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा, क्योंकि पहले टॉन कॉइन आया था। टॉन को आप देख सकते हैं, टॉन की पोजीशन इस वक्त चल रही है लगभग 8th या 9th के आसपास हमेशा चलती रहती है। तो टॉन इतना बड़ा प्रोजेक्ट बन चुका है सिर्फ टेलीग्राम की वजह से, क्योंकि टेलीग्राम की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। तो करंटली टॉन की वैल्यू भी $5-5.5 के आसपास चल रही है, तो मार्केट कैप ऑलमोस्ट $14 बिलियन के आसपास चल रहा है। तो आप देख सकते हैं टॉन बेस्ट प्रोजेक्ट होने की वजह से, इसका एक पहले कौन आया था नॉट के नाम से, तो नॉट का भी लॉन्च पुल आया था जो कि बाइनेंस के ऊपर आया था, और टॉन का जो लॉन्च पुल आया था वो लिस्टिंग होने के बाद आया था। अभी लॉन्च पुल इसका लगभग 1 महीने का चला है टॉन का, तो उसमें हमें काफ़ी सारे फ्री में टॉन कॉइन्स मिले हैं जो कि आप FDST या फिर BNB स्टे करके पा रहे थे। अभी आपको मौका मिल रहा है कि यही टॉन का ही प्रोजेक्ट जो कि हैमस्टर कॉम्बैट के नाम से है, तो ये भी आपको मिलेगा लॉन्च पुल के ऊपर ही। तो लॉन्च पुल की जो फार्मिंग है ये शुरू होने वाली है 23 तारीख को शुरू होगी और 25 तारीख तक चलने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 बिलियन टोटल रिवॉर्ड्स रखे गए। तो यहाँ से एक चीज़ मैं क्लियरली देख पा रहा हूँ कि यहाँ पे अगर सिर्फ 1 बिलियन ही कॉइन्स रखे गए हैं तो कॉइन्स की जो क्वांटिटी है जो हमें मिलने वाली है BNB और FDST स्टे करके, वो बहुत ही छोटी क्वांटिटी मिलेगी, क्योंकि BNB के लिए रखे गए हैं 85% और FDST के लिए रखे गए हैं लगभग 15% जो कि आपको वहाँ पे फार्मिंग के बेसिस पर मिलने वाले हैं। तो इतना छोटा नंबर यहाँ पे आपको दिखेगा। तो ये 1 बिलियन आपको पर डे मिलेगा, यानी कि पर डे डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला है। तो टोटल 3 बिलियन कॉइन्स होने वाले हैं जो कि 3% टोटल सप्लाई के बनते हैं, यानी कि यहाँ पे टोटल सप्लाई है 100 बिलियन हैमस्टर्स की। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि 3 बिलियन हैमस्टर एक बहुत छोटी सी क्वांटिटी है जो कि 3% ही है। यहाँ पे एक बड़ी क्वांटिटी आनी चाहिए थी, क्योंकि अगर अभी हम यहाँ पे फार्मिंग करेंगे तो हमें जो डेली रिवॉर्ड मिलने वाला या फिर पर आर के बेसिस पर रिवॉर्ड मिलने वाला बहुत छोटा मिलेगा। अब इसका फ़ायदा क्या होगा वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। जब अवार्ड छोटा होता है इसका मतलब ये भी होता है, हम एक अनुमान लगा सकते हैं कि इस कॉइन की वैल्यू बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाली है। तो हैमस्टर वैसे ही इतनी ज़्यादा हाइप में रहा है तो इसकी वैल्यू ऊपर जा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलता कि कई सारे डॉलर्स में इसकी वैल्यू जाएगी या $5-10 तक जाएगी, इसकी वैल्यू कुछ सेंट्स तक जाएगी, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास हैमस्टर कॉइन्स मिलियंस की क्वांटिटी में बिलियंस की क्वांटिटी में आसानी से पड़े हैं, तो वो इसको सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न करने वाले हैं। तो ये प्रॉफिट आपको यहाँ पे तो मिलेगा ही मिलेगा जो कि आपको कॉइन्स बाइनेंस के ऊपर फार्मिंग से मिलेंगे, और उसके बाद आपके पास जो कॉइन्स पड़े हैं हैमस्टर के ऊपर उसको आपने अगर कनेक्ट किया वॉलेट के साथ या फिर एक्सचेंज के साथ, उनको भी आप सेल कर पाओगे। तो यहाँ पे 2 बड़े फायदे होने वाले हैं। तो फार्मिंग और लिस्टिंग के ऊपर भी प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव प्रोजेक्ट दिख रहा है, HMSTR के नाम से है, तो इसको आप ध्यान से देखना, क्योंकि आप ऐसी गलती मत कर देना कि HMSTR के नाम से कोई और प्रोजेक्ट गलती से बाय कर लो। अभी आप जाओगे कॉइन मार्केट कैप के ऊपर तो आपको हैमस्टर कॉम्बैट का सिंबल दिखेगा HMSTR, और यहाँ पे आप इसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस अभी नहीं देख पाओगे क्योंकि यहाँ पे कुछ रिवील ही नहीं किया गया है। अगर आपको ऑलरेडी मिल रहा है, इतने दिन पहले ही मिल रहा है, यानी कि 10 दिन अभी बाकी हैं, इतने दिन पहले अगर HMSTR मिल रहा है तो इसका मतलब यह है कि वो फेक कॉइन होगा। तो फेक कॉइन को गलती से बाय मत करना, क्योंकि कॉइन की लिस्टिंग सिर्फ तभी होगी, कॉइन लिस्ट पहले लॉन्च पुल के ऊपर आएगा, फिर उसके बाद लिस्ट होगा बाइनेंस के ऊपर। तो
तो बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट प्रॉफिट भी अच्छा देकर जाएगा, लेकिन कोई भी गलती मत करना, गलत या फिर रॉन्ग कॉइन बाय मत करना। तो इसकी और जो डिटेल है कि कैसे स्टेक करना है उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए नीचे कमेंट जरूर कर दो, वरना वैसे मैं वीडियो लेकर आऊँगा ही आऊँगा कि आपने स्टेक कैसे करना है, क्योंकि ये स्टेकिंग जो होने वाली है तो ये एक्चुअल में तो स्टेकिंग होगी 23 तारीख को, 23 से लेकर 26 तारीख तक रहने वाली है। तो 3 दिन तक स्टेकिंग होगी, तो 3 दिन में हमें अच्छी क्वांटिटी मिल सकती है। तब तक आप थोड़ा वेट करो, मैं जो भी अपडेट आएगा आपको अपडेट करता रहूँगा यूट्यूब के ऊपर और इसी के साथ टेलीग्राम के ऊपर भी, वॉफ्रेड ऑफिशियल हमेशा ज्वाइन करके रखें। इसके अलावा अगर आपको कोई और कॉइन के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए जो कि हैमस्टर जैसा ही हो तो नीचे कमेंट जरूर करना। उम्मीद है आपका ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर करते हुए हमारे चैनल वॉफ्रेड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन हमेशा पहुंच रहे। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।